हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले जो राजस्थान के एग्जाम है, जिसमें राजस्थान जीके आएगी, उनमें यह ट्रिक आपके बहुत हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो जितनी भी बावड़ियां हैं इम्पोर्टेंट, उनको भूल जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर देखिएगा। तो हाडी स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। हाडी रानी की बावड़ी सुना है कि हाडी रानी की बावड़ी कहाँ में है? टोंक में है। तो हाडी रानी की बावड़ी टोंक में है, तो ये याद करने की ट्रिक है कि हाड से याद हो जाएगा हड्डी। तो हड्डी हड्डी क्या होती है? टूटती है। तो हड्डी टूट गई, तो हड्डी से हो जाएगा हाडी रानी और टूट से हो जाएगी टोंक। वैसे ही नौलखा बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी, ये दोनों कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो इसकी ट्रिक है त्रिमुखी नौ डूंगर, तीन मुखों का नौ डूंगर है, तीन मुखों के नौ डूंगर है, तो त्रिमुखी नौ डूंगर। तो त्रिमुखी से हो जाएगी त्रिमुखी बावड़ी, नौ से हो जाएगी नौलखा बावड़ी, डूंगर से हो जाएगी डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में कौन कितनी है? त्रिमुखी नौ डूंगर है। दूध बावड़ी जो सिरोही में पड़ती है, उसकी ट्रिक है दूध में सिर या सिर में दूध। तो दूध में सिर हो जाएगा, तो दूध से हो जाएगा दूध बावड़ी और सिर से हो जाएगी सिरोही। चांद बावड़ी, दोस्तों चांद बावड़ी और ये आलूदा की, चांद बावड़ी और आलूदा की भूबानिया का कुंड, आलूदा का भूबानिया कुंड, ये दोनों कहाँ है? दौसा में। इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, चांद दो आलू नहीं, क्या वो चांद मांग रहा है आलू नहीं? कोई आदमी ये चांद मांग रहा है, उसको आलू देके वो कर रहा है कि आलू से काम चलाओ, तो चांद दो आलू नहीं, समझ गए वो। तो चांद से हो जाएगा चांद बावड़ी, आलू से हो जाएगा दोस्तों आलू आलूदा का भूबानिया कुंड, ये दोनों। दो से हो जाएगा दोसा, तो दोसा से भी एकदम इजी है। रानी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों बूंदी में हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी रानी अनारकली बूंदी में, ये पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन रानी अनारकली कहाँ में है? बूंदी में है। ओस्ती जी की बावड़ी और तपसी की बावड़ी, ओस्ती जी की बावड़ी और तपसी की बावड़ी, ये दोनों बावड़ियाँ पड़ती है बारा के अंदर। इसको ट्रिक है, औरत बारा में तपस्या करती है। अब ये पता नहीं क्यों करती है, लेकिन औरत बारा में ही तपस्या करती है। तो औरत से दोस्तों देखो, औरत ऐसे लिखते हैं और रैत है। तो औरत से र को यहाँ मिला देते हैं, स हो जाएगा ओस, और त से तय हो रहा है, तो इसको ती बना देते हैं, तो ओस्ती, तो ओस्ती हो जाएगा। औरत से हम ओस्ती बना देते हैं, तो ओस्ती जी की बावड़ी हो जाएगी, ओस्ती जी की बावड़ी हो गई, बारह से बारह हो गया, और तपस्या से हो गया तपसी की बावड़ी। ठीक है दोस्तों, अब है चमना बावड़ी, बायराज की बावड़ी और चौकी बावड़ी, ये तीनों बावड़ियां हैं भीलवाड़ा के अंदर। इन तीनों को याद करने की ट्रिक है, चमना बावड़ी, बायराज की बावड़ी, चौकी बावड़ी, ये भीलवाड़ा में है। चमन बाई, चमन बाई चौकी भील है, चमन बाई चौकी भील है। तो चमन से याद रखना चमना बावड़ी, बाई से याद रखना बायराज की बावड़ी, चौकी से याद रखना चौकी बावड़ी, और भील से याद रखना भीलवाड़ा। तो हो गई याद, इतनी ईजी है। अगर ट्रिक काम में आ जाए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। गोसुंडा की बावड़ी, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। गोसुंडा की बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ती है। इसको याद करने की ट्रिक है, ताश खेलते हैं तब बोलते हैं ना गोची लग गई, तो इसको याद रखना गोची। गोची से, गो से गोसुंडा, गोसुंडा की बावड़ी, और ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो गोसुंडा की बावड़ी हो जाएगा गो से गोसुंडा की बावड़ी, ची से चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, इजी है। अब नेक्स्ट है तापी बावड़ी, कातन बावड़ी, ये दोनों जोधपुर में है। तापी और कातन, ये दोनों जोधपुर में है। तो जो ताप का तन है, किसका तन है? ताप का तन है। तो जो से याद रखना जोधपुर, ताप से याद रखना तापी बावड़ी, और तन से याद रखना कातन, कातन बावड़ी। कातन वैसे तो हो गया, जैसे जो से जोधपुर, जो से हो गया जोधपुर, ताप से हो गए तापन बावड़ी, और कातन, कातन से हो जाएगा कातन बावड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों चेतन की बावड़ी, चेतन
चेतन की बावड़ी, मेड़ता की बावड़ी, ये दोनों कहाँ पे है? झुंझुनू में पड़ती है। इसकी ट्रिक हो जाएगी चेतन चेतन का झुंझुना मेड़ता में, चेतन का झुंझुना मेड़ता में, चेतन का झुंझुना मेड़ता में। 10 से 12 बार याद कर लेना, इन सभी को याद हो जाएगी आपको। तो जब भी पूछेगा कि चेतन दास की बावड़ी, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि चेतन का झुंझुना। तो चेतन का झुंझुना बजता है मेड़ता में, तो चेतन से चेतन दास की बावड़ी, मेड़ता से मेड़ता की मेड़ती, मेड़तनी का बावड़ी, और झुंझुना से झुंझुनू हो जाएगा। लंबी बावड़ी ये पड़ती है धौलपुर में, लंबी बावड़ी पड़ती है कहाँ? धौलपुर के अंदर। तो इसकी ट्रिक है दो लंबी, दो से हो जाएगा दो लंबी से, दो से हो जाएगा धौलपुर, और लंबी से हो जाएगा लंबी बावड़ी। पन्ना मीणा की बावड़ी ये जयपुर में, दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से याद करो, क्योंकि तो जयपुर में सबसे ज़्यादा क्या है, मीणा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जयपुर में। ये भी जीके का क्वेश्चन है कि मीणा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जयपुर में। तो पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ होगी? जयपुर में। और दोस्तों इसकी नीमराणा की बावड़ी अलवर, तो इसकी याद करने की ट्रिक देख लेना। अगर नीमराणा की बावड़ी लवर, पीछे से हो जाएगा लवर, यहाँ लिखा हुआ है लवर, लवर नहीं या नहीं, नी लवर नी, लवर नी, तो लवर नी से याद हो जाएगा, लवर से अलवर हो जाएगा, नी से हो जाएगा नीमराणा की बावड़ी। बटाडूगा कुआ बाड़मेर में, ये सभी को याद है। बट गांव की बावड़ी ये याद रख लेना दोस्तों, बट गांव की बावड़ी ये कोटा में पड़ती है, बट गांव की बावड़ी कोटा में पड़ती है। तो दोस्तों ये पूरे बावड़ियों की ट्रिक हो गई जो इम्पोर्टेंट पड़ती है, और कोई बाई चांस रहेगी कोई भूले चुके और देख लेना। लेकिन ये पूरी जितनी बावड़ियाँ हैं उनके बारे में बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा नदियों में, झीलों में, और जो भी बचेगी परियोजनाओं में, इंदिरा गांधी नहर की, उनको सीरीज बाई याद करने की तरीका, खारी झीलें, मीठी झीलें, सबको याद करने की ट्रिक हमने डाल दी है। तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।